है, देखते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ खास खबरें। मायावती के ट्वीट के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में सीईओ लखनऊ को पत्र लिखा है। भाजपा का आरोप है कि मायावती ने लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ट्वीट पोस्ट किए। मायावती ने अपने ट्वीट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि क्या वाराणसी 1977 का रायबरेली दोहराएगा। मायावती ने ट्वीट किया, पीएम श्री मोदी का गुजरात मॉडल यूपी के पूर्वांचल की भी अति गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन को दूर करने में थोड़ा भी सफल नहीं हो सका, जो घोर वादा खिलाफ है। मोदी योगी की डबल इंजन वाली सरकार ने विकास के बजाय केवल जाति व सांप्रदायिक उन्माद, घृणा व हिंसा ही देश को दिया है, जो अति दुखद है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पीएम मोदी को भेजा मानहानि का नोटिस। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने वकील की मदद से मानहानि का नोटिस भेजा है। अभिषेक बनर्जी ने पीएम मोदी पर 15 मई को डायमंड हार्बर में जनसभा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने की बात कही है। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तल्खी की दिशा में यह नई खबर सामने आई है। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो में हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने दखल देते हुए पश्चिम बंगाल में अंतिम दौर के मतदान में चुनाव प्रचार को छोटा कर दिया था। टीएमसी में नंबर दो माने जाने वाले सांसद अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला भाजपा के नीलांजन रॉय के खिलाफ है। अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि वह इस बार चुनाव हार जाएंगे और चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उनके कार्यालय पर ताला लग जाएगा। पापा शत्रुघ्न सिन्हा के लिए सोनाक्षी सिन्हा ने मांगा वोट। लोगों ने कहा, माफ करना, इस बार तो कोई चांस ही नहीं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। इस चरण में 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसमें बिहार के पटना साहिब सीट पर भी पोलिंग हो रही है। इस सीट से बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा के रविशंकर प्रसाद उम्मीदवार हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पिता के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन करती नजर आई है। सोनाक्षी ने ट्विटर पर लोगों से आग्रह किया कि वे शत्रुघ्न सिन्हा को एक बार फिर पार्लियामेंट तक पहुँचाए। हालांकि सोनाक्षी के इस पोस्ट पर कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं भी दी है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।